हेलो, आवाज़ देखो भाई आ रही है क्या? अभी एक बार वॉइस प्लीज माफी चाहूँगा, वॉइस प्लीज आप चेक कर लीजिए। देखो देखें आवाज़ आ रही है क्या अभी? अगर आ गई है तो हाँ या ना बताओ फटाफट। पूरा का पूरा जो है इंट्रो दोबारा से बोलना पड़ेगा। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम। प्लीज़ आप फटाफट से लिखिए, आगे आवाज़ आ गई है क्या वापस? ओके, चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं कान सिंह, टीसीएस एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छा भी चल रहा होगा। व्यस्ततम जिंदगी के बीच आप लोगों के सामने फिर से आज हम एक मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्ततम जिंदगी चल रही है, समझिए कि नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आज से 10 जनवरी से अब तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन पर आधारित हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है। कम्प्लीटली रीजनिंग आज हम कम से कम हल करने की कोशिश करेंगे। आज से हमारा जो टाइम है वो 5:30 से होने वाला है, क्योंकि हमारी जो ऑफलाइन क्लासें चलती हैं उनकी वजह से टाइम जो है वो मिल नहीं पाता है, और स्टूडियो में अन्य क्लासें होती हैं तो शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होता है, मैं लेट फ्री हो पाता हूँ। बैच अभी फ्री ही किया है, 5-7 मिनट पहले ही बैच मैंने फ्री करा है अभी, ठीक है? जो ऑफलाइन दिल्ली पुलिस और रेलवे का जो हमारा बैच चल रहा है उसको, तो लास्ट में फिजिक्स की क्लास सर अब छोड़ के ही गए हैं। तो आज हम जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है? पेपर को कुछ बच्चों के सवाल हैं। सर बैच फीस बहुत ज़्यादा है। विक्की चौधरी, देखो बात ऐसी है, इस पर थोड़ा सा हम पेपर हल करने के बाद बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन का सिर्फ 20% फीस ले रहा हूं मैं। जितनी ऑफलाइन का हमारा चार्ज होता है ना, उसका सिर्फ 20% फीस है। हमारी फीस अन्य लोगों की तुलना में क्यों हाई होती है, इस पर हम अलग से बात करना जायज़ समझेंगे। बाकी मैं एक चीज़ का भरोसा दिलाता हूँ, ये हाई जो फीस आपको लग रही है ये लास्ट फीस आपके लिए हो सकती है। इसके बाद आपको शायद कभी फीस देनी ही ना पड़े किसी को, उल्टा आप सर गवर्नमेंट से तनख्वाह लेने लग जाएं। इतना कुछ हम देने वाले हैं। जिस दिन हमारा बैच खत्म होगा उस दिन हर स्टूडेंट के मुंह से यही निकलेगा कि यार सर ने सच में मेहनत भी नहीं ली अपनी पूरी, इतनी ज़्यादा वो मेहनत करवा के चले गए हैं सारे लोग मिलके, इतने से कम रुपए में कैसे संभव हो सकता है? बट फिर भी इस पर अलग बात करेंगे। सब पेपर शुरू करते हैं अपन, पहले ज़रा टाइम नहीं लगाते हैं। सवाल आपके सामने है, प्लीज़ आप फटाफट फटाफट देखिए, अलग बात करेंगे इस पर विक्की भाई, ठीक है? किसी निश्चित कूट भाषा में डोम को 37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कार्गो को 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, मदर को किस रूप से कूटबद्ध किया जाएगा, हमसे पूछा है। आप जानते हैं इस बात को कि एक सवाल 100% इसका आ रहा है, अच्छे से पता है आपको इस बात का, एक सवाल 100% आ रहा है। एक बार सब लोग जो है वो प्लीज क्लास शेयर कर दीजिए, ठीक है? और धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, तब तक हम जो है हमारा क्लास करते हैं, ठीक है? पहले क्लास आप प्लीज शेयर कर दीजिए जरूर। किसी निश्चित कूट भाषा में डोम को 37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कार्गो को 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में मदर को कैसे लिखा जाएगा, हमसे कह रहा है, मदर का कोड क्या होगा? एक चीज ध्यान रखें, जितने भी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं और जो बच्चे एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं वो भी प्लीज ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर कभी भी ऐसे कोई भी शब्द का कोड जो है वो निश्चित संख्या में दिया जाता है जैसे छोटे रूप में, तो एक संभावना होती है। क्या क्या? तीन चार संभावना बनती है। पहली संभावना बनती है कि डायरेक्ट योग किया गया हो, दूसरी संभावना बनती है कि विपरीत अक्षर जो अपोजिट लेटर होते हैं उनका योग किया गया हो, सम किया गया हो। एक संभावना ये भी होती है, अगली संभावना एक ये भी होती है कि जितना योग हुआ है उसे एक निश्चित संख्या कम कर दी गई हो, तो हम यही जानते हैं। हाँ, और सही कह रहे हैं, ऑफलाइन में 1 महीने में जितने खर्च होते हैं उतना पूरा कोर्स ले रहे हैं सर। मैं कहता हूँ 1 महीने में काम चलता ही नहीं है उतने से रुपए में, ज़्यादा लग जाते हैं। देखो इधर देखो सब लोग, ये कितने पर आता है? आप बोलेंगे 4 पर। ये कितने पर आता है? आप बोलेंगे 15 पर। ये कितने पर आता है? आप बोलेंगे 13 पर। ये कितने पर आता है? 5 पर। देखो देखें, 15 और 5 कितना हो गया? 20, 20, 13, 33 और 4, 37। ये डायरेक्ट इनका योग हुआ है। तुम परीक्षा में क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। तुम परीक्षा में ऐसे जोड़ना कि 3 और 1 4, 4 और 18 22, 22 और 7 31, सॉरी 22 और 7 29 और 15 44, ऐसे तुम इसको डायरेक्ट जोड़ना। तो आप मुझे बताइए, मैं चाहूंगा कि तुम एक अच्छे कंपिटिटिव की तरह सोचें, आप वो पुराने जमाने के बच्चों की तरह ना सोचें कि इनके अक्सर लिख रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं। खुद को इतना अपडेट कीजिए कि आप मेंटली सोचें कि 13 पर आता है 13 और 15 होता है 28, या फिर आप ऐसे जोड़ लें कि ये 20 होता है ये 15 होता है, 20 और 15 कितना होता है 35, 35 और 5 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 40, 40 और 18
तो आप बोलेंगे 58, 58 और 8 तो आप बोलेंगे सर जी 66, और 66 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 79, उत्तर कितना होगा 79। कुल मिलाकर मेंटली सोचना है, कोशिश कीजिए, जिनका शिकायत है कि हमारा स्कोर नहीं हो पाया, हमारे टाइम कम पड़ गया, वो टाइम ऐसे ही बचेगा, वैसे लिखने से टाइम नहीं मिलने वाला है। अगला सवाल देखिए, ये भी एक अच्छा सा पैटर्न का सवाल आ रहा है। क्लासेस कब से स्टार्ट है ऑनलाइन बैच में? आज ही से क्लासेस स्टार्ट होंगी, विकास कुमार राव और विकी चौधरी, आज ही से मैथ्स की क्लास आज शुरू हो जाएगी, बाकी सारी क्लासें कल सुबह जो हैं एक एक करके उस पर शेड्यूल वाइज शुरू हो जाएंगी। डेमो भी उस पर डाल रहे हैं, दो दो घंटे का सबका डेमो उस पर डाल रहे हैं, ठीक है। अजय कुंतल कह रहे हैं गुरुजी प्रणाम स्वीकार, अच्छा प्रणाम भाई अजय कुंतल, नमस्कार। सवाल का जवाब दीजिए, सात व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे के प्रत्येक अलग अलग लंबाई के हैं, एफ केवल चार अन्यों से लंबा है, ई एफ से लंबा है, जी एच से लंबा है, एच केवल दो सदस्यों से लंबा है, जे सभी में सबसे छोटा है, एफ जी से लंबा है लेकिन लेकिन से छोटा है, क्या कर दिया भाई, सबसे लंबा कौन है? देखो देखे इसमें सवाल में कोई थोड़ा सा गड़बड़ लग गया मुझे, मैं देख देता हूँ, इसका ओरिजिनल पेपर देख लेता हूँ। कहता है एफ जी से लंबा है लेकिन के से छोटा है, लेकिन यहाँ के कर लो, के से छोटा है, बताओ जी उत्तर दो, ठीक है यहाँ के कर लीजिए, लेकिन के से छोटा है, एफ जी से लंबा है लेकिन के से छोटा है। तो देखो कितने उपउत्तर एफ दे चुके हैं शर्मा जी, एफ केवल चार अन्यों से लंबा है, मतलब पूरे कितने लोग हैं, तो आप बोलेंगे सात लोग हैं, इन सात में से एफ केवल चार अन्य से ही लंबा है, चार अन्य से लंबा होने का मतलब बाकी सबसे छोटा है, ठीक है। जी ई के से लंबा है, तो मैं ये कह देता हूं ई जो है ना ये के की तुलना में लंबा है, तो ई के से लंबा है। फिर कहता है जी एच से लंबा है, एच अन्य दो से लंबा है, जे सबसे छोटा है, एफ जी से लंबा है, मतलब और लेकिन के से छोटा है। इसको देखो एक बार, पहले आपने ये बना दिया कि ई के से लंबा है तो ई के से लंबा है, फिर कहता है एफ जी से लंबा है लेकिन के से छोटा है, ये जो के है ना इस के से छोटा है, कौन एफ, तो ये एफ जो है वो के से तो छोटा है लेकिन जी से लंबा है, लेकिन जी से बड़ा है, जी से बड़ा है, ठीक है। जी एच से भी लंबा है, जी एच से लंबा होने का मतलब जी और भी लंबा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं इनको, ठीक है ऐसे थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एच केवल दो सदस्यों से लंबा है, मतलब एच से छोटे, एक दो तीन चार पांच, एच केवल दो सदस्यों से लंबा है, इसका मतलब एच से छोटे हैं दो जने, कंफर्म छोटे हैं, और कंफर्म छोटे होने का मतलब दो एच जने, जे सभी में सबसे छोटा है, जे सब के लास्ट में है, ठीक है। और सभी में सबसे लंबा कौन है, तो दो दो चार दो छः, दो दो चार दो छः एक सात, सबसे लंबा तो ई ही है, और ई होने का मतलब उत्तर कितना होगा तीन नंबर, ठीक है। ये आसान तरीके से सवाल बनना था, लेकिन इस सवाल में परीक्षा में थोड़ी हड़बड़ाहट आ जाती है, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं कहता हूँ ई कैसे लंबा है ये बना के फिर इस लाइन को बनाओ, क्योंकि ये कोरिलेट है, इससे बनाओगे एक एक करके आप आराम से बना सकते हैं। ये बहुत एक सिंपल लेवल का सवाल है, क्योंकि एक आधा सवाल ऐसा भी आ रहा है, एक सिंपल तरीके से सवाल आ रहा है, ए सी खालिस्तान है, जी खालिस्तान, के खालिस्तान, खालिस्तान क्यों और खालिस्तान, तो इसको देखिए क्या बनना चाहिए इसका। संजीव नमस्ते भाई, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला की पूर्ति करता हो, अगर श्रृंखला की पूर्ति कर रहा है, चार नंबर आप उत्तर दे रहे हैं, ये बहुत एक आसान सा है। देखो एक चीज देखो कि ए के बाद में सी के बाद में ई, एक छोड़कर एक लिख रहा है, डी एफ जी एच आई, फिर जे छोड़कर के एल एम, एन छोड़कर ओ, पी क्यू छोड़कर आर एस, ऐसे बन रहा है, एक छोड़कर एक बन रहा है, तो ई आई से शुरू होना चाहिए, और ई आई से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन है, देख लीजिए ई आई एम ओ एस, ऐसे भी जी डी में सवाल आ रहे हैं,
इस पैटर्न से भी छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं। पता है ये सवाल क्यों दे रहा है? ये सवाल इसलिए दे रहा है इस टाइप के, क्योंकि उसे उन लोगों को बाहर निकालना है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, या पहली जिन्होंने ढंग से तैयारी नहीं करी हो, ऐसे हल्के में तैयारी के नाम पे जिन्होंने मजाक करी हो, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए ऐसे सवाल क्रिएट होते हैं। ठीक है, आगे देखो। निश्चित निम्नलिखित चार अक्षर समूह में तीन एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, अलग या विषम का चयन कीजिए। ये कहता है कि जो अलग है या जो विषम है उसका आप लोगों को चयन कर देना है। ठीक है, और आप लोगों के सामने ऑप्शंस रखे गए हैं। इतना जल्दी आप लोगों को आंसर मेरे हिसाब से इसका दे देना चाहिए, बहुत वक्त लगने वाला नहीं है ये, बहुत वक्त लगने वाला नहीं है। आराम से आप चाहो तो उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित चार अलग अलग समूहों में निश्चित तरीके से एक समान है और एक अलग है, अलग या विषम का चयन कीजिए कि अलग या विषम कौन है, हमें ये बताना है। तो प्लीज ध्यान दें, उत्तर एक नंबर दे चुके हैं आप लोग। देखो, डी डब्ल्यू होता है विपरीत होता है, जे क्यू विपरीत होता है, ए का उल्टा जेड होता है, लेकिन आप जानते हैं जी का उल्टा एच होता है, इसका मतलब यही वाला अलग है, यही वाला अलग हो गया है आपका। ठीक है, शुरुआती दो को देख के तुम बता सकते थे, शुरुआती दो को देखते ए जेड है, जे क्यू है, डी डब्ल्यू है, लेकिन अगर अगले को मैं देखूंगा ना, तो अगला जो है वो एकदम इसका उल्टा चल रहा है, और उल्टा चलने का मतलब आंसर जो नंबर होगा वो कितना बनेगा, एक नंबर बनेगा। ठीक बात है, उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देखिए भाई आप, नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त अक्षरों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जाता है। वह अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, हमें यह बताना है। वह अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा जो इसमें रख सकते हैं। इजी इजी जो है वो टाइप से सवाल है, इजी इजी टाइप से सवाल है। अच्छा, जी का उल्टा वो, सॉरी, हाँ, जी का टी होना था यहाँ, जी टी। ठीक है, हम तो डी ई एफ एच आई जे एम एन ओ और क्वेश्चन मार्क, हमें कहता है कि बताइए अगला कौन होगा। तो आप आराम से देख सकते हैं कि डी के बाद में एच बन रहा है, मतलब चार ज्यादा हो रहा है ना, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, चार ज्यादा, और एच के बाद में एम बन रहा है, तो 8 और 5 13, मतलब ये कितना ज्यादा हो रहा है, 5 ज्यादा हो रहा है, तो इसमें कितना ज्यादा होना चाहिए, 6 ज्यादा होना चाहिए। अगर 13 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 13 में 6 जोड़ूंगा तो 19 नंबर होगा, और 19 नंबर पर किससे शुरुआत होगी, एच से। उधर ऑप्शन देखिए कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो एच से शुरू हो रहा है, दो ऑप्शन है, एक तो 2 नंबर और एक 4 नंबर, ये पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं अगला देखता हूं तो मैं यही कहूंगा ई के बाद में आई बना है, और ई के बाद में अगर आई बना है तो आप लोग कहेंगे कि कितना ज्यादा हुआ है, 9 और 5, 5 और 4 9, तो प्लस 4 हुआ है, और 9 और 5, और 5 के बाद में 6 बनेगा, और 6 बनने का मतलब आप कहेंगे 14 और 6 20, और 20 का मतलब यहां बन जाएगा टी, तो एस टी से कौन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। मतलब इस तरीके से सवालों को लगाइए, कोशिश कीजिए कि आप पेन कम से कम इस्तेमाल करें, सवाल को बनाने की कोशिश करें तो पेन फ्री हो, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश आप लोगों को कर लेनी है। ठीक भाई, अगला सवाल देखिए, कुछ मुश्किल सवाल भी होंगे, कुछ इजी सवाल भी होंगे। एक ये वाला सवाल थोड़ा सा परेशानी में डाल रहा है, परेशानी का सबब बना हुआ है, बच्चों के वक्त पर ये वाला जो सवाल है वो नहीं बन पा रहा है। ए प्लस बी का तात्पर्य है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का तात्पर्य ए बी की माँ है, और ए गुणा बी का तात्पर्य ए बी का पति है, ए भाग बी का तात्पर्य ए बी की बहन है। यदि बी माइनस डी प्लस एफ भाग एच गुणा जे माइनस एस है तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इस सवाल को माना है, मैं देखूंगा कि कितने बच्चे जो हैं इस सवाल में अप्रोच में इस सवाल को ला पाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आज यहाँ वक्त आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो एग्ज़ाम में भी वही हालत होने वाली है, इसलिए स्क्रीन आप ऑनलाइन एग्ज़ाम मानते हुए इस सवाल को लगाएं तो थोड़ा सा शायद मेरे हिसाब से आप जल्दी कर पाएंगे। इजी सवालों का बहुत जल्दी उत्तर दे देते हैं, लेकिन मुश्किल सवालों का जवाब भी देना बहुत जरूरी है। याद रखना, जितने भी सवाल हैं सिटिंग अरेंजमेंट और रिश्ते में, ये टाइम टेकिंग सवाल है, एक अच्छा टाइम कंज्यूम कर देता है, जिनकी आगामी भर्तियां हैं वो भी प्लीज ध्यान देंगे। ए प्लस बी का तात्पर्य ए बी का भाई है, ए माइनस बी का तात्पर्य ए बी की माँ है, ए गुणा बी का तात्पर्य ए बी का पति है, और ए भाग बी का तात्पर्य ए बी का बहन है। आप लोगों को मैं बताता हूँ परीक्षा में क्या करना है। एक तो चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी जब परीक्षा में आप बैठे हैं तो इस वाले को पढ़ के टाइम खराब मत करना। कई कई बच्चे क्या होते हैं ना, इसको पहले पूरा पढ़ते हैं, तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखना, इसको पढ़ के बिल्कुल भी टाइम खराब मत करना।
एक नंबर बात। नंबर दो बात, आप लोग जब भी सवाल को बनाना शुरू करो तो इस चीज को ध्यान रखना, केवल इस चीज को ध्यान में रखना कि कौन बंदा हमारे जिसका नाम लिया जा रहा है उसे ऊपर की पीढ़ी का कौन है, नीचे की पीढ़ी का कौन है। अगर बराबर की पीढ़ी का है तो बराबर में दर्शाना, ऊपर की पीढ़ी का ऊपर दर्शाना, नीचे की पीढ़ी का नीचे दर्शाना। अगर पुरुष है तो वर्ग से दर्शा देना, स्क्वायर से, और महिला है तो सर्कल से, वर्थ से दर्शा देना। आइए उत्तर, जय कुंतल 4 नंबर दे चुके हैं। देखो बी माइनस डी, पहले इससे देखना, इनको पढ़ के टाइम खराब मत करना। बी माइनस डी, तो इधर देखो माइनस वाला कौन है, ये रहा। ए माइनस बी का तात्पर्य ए बी की माँ है, पहले मत पढ़ो अब पढ़ो। इसका मतलब ए बी की माँ है, तो बी जो है यहां इसका अर्थ है, बी माइनस डी का मतलब बी डी की माँ है। तो कोई इंसान डी है और इस डी की जो माँ है ना वो बी है। अब डी की माँ जो है वो बी होने का मतलब आप लोगों को ये पता होगा, अगर कोई ऐसा बंदा जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ता है उसे पता होगा। आज ही की क्लास में मैंने ये बात बताई है कि डी के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन बस इतना पता है कि इसकी माँ बी है। फिर कहता है डी प्लस एफ, तो प्लस वाला देखो ए बी का भाई है, मतलब डी भाई है एफ का, तो ये डी लड़का है और ये लड़का जो है वो भाई बनता है, और भाई किसका बनता है, एफ का। अब एफ के बारे में नहीं पता है कि लड़की है कि लड़का है, लेकिन एक बात है कि ये दोनों एक ही माता पिता की संतान है, इसका मतलब बी जो है एफ की भी माँ होगी। एफ और एच भाग से जुड़े हैं, तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए बी की बहन होने का मतलब एफ जो है वो बहन है किसकी, एच की। तो ये लड़की है और ये लड़की जो है वो बहन के रूप में है, और बहन भी किसकी बन रही है, एच की। मतलब ये तीनों भाई बहन हैं आपस में कैसे ना किसी प्रकार से, और तीनों के तीनों की माँ कौन है, बी है। फिर देखो एच गुणा जे, गुणा का मतलब है ए बी का पति है, मतलब एच जो है वो पति है जे का, तो एच जो है वो पति है, मतलब ये लड़का है। और पति पत्नी को प्लस से गठबंधन में आप जोड़ दो, और जे का पति है इसका मतलब आप लोग इसको सर्किल कर दो। तो ये तो महिला हुई, इन दोनों की ये भाभी होगी क्योंकि इन दोनों के भाई की पत्नी है, और इस बी की पुत्र वधू होगी। ये जेस की बी जो है इसके पति की मां लग रही है, तो इसकी सास लगेगी, जे माइनस एस, और जे माइनस एस का मतलब है ए बी की माँ है। ए बी की माँ होने का मतलब जे माँ है किसकी, एस की। तो आप कहेंगे जे जो है वो माँ है और एस की। भाई कंफर्म नहीं है कि एस लड़का है या लड़की है, हो सकता है एस लड़का हो सकता है लड़की हो, लेकिन एक चीज है कि अगर ये माँ है तो आप ये बोलेंगे ये कंफर्म जो है इसका पिता है 100%। अब भाई अगर पिता है तो ये एस के पिता की बहन है, तो ये तो एस की बुआ लगेगी, ये एस का चाचा लगेगा, और ये इस के पिता हैं, और पिता की जो माँ होती है वो दादी लगती है। आइए सवाल को देखिए, एफ जे के पति का भाई है। पहले एक चीज समझ लो, एफ जे के पति का भाई है, तो देखो देखे एफ जो है वो जे के पति का भाई है क्या, तो आप कहेंगे एफ तो एफ भाई है क्या, मतलब एफ लड़का है क्या, नहीं, एफ तो जो है वो लड़की है। लेकिन अब आप लोग ऐसे सोचेंगे कि सर ये तो गलत है, तो भाई बताना भी गलती है, बस यही तो गड़बड़ होगी ना परीक्षा में कि तुम पढ़ोगे नहीं ध्यान से। अगले ने कहा कौन सा कथन सही नहीं है बताओ, तो यही सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है, बस यही बताना था और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि नहीं बोला है या है बोला है, नहीं तो फिर मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक बात है, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने माना है। इसमें दो लॉजिक है, लॉजिक एक तो ये है कि ये किस टाइप से दे देता है तो बच्चे इसमें फंस जाते हैं, जबकि मेरी राय है कि वो डायरेक्ट इस पर काम करना शुरू करें। इसके लिए पहले से प्रैक्टिस अच्छी होना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, और एक पर्सन को पढ़ते वक्त वो ये जरूर जान लें कि हमें पूछा क्या है, पूछा है या नहीं है पूछा है, तो फिर जो है वो परीक्षा के बाहर निकलेंगे तो आर करना ही होगा और कोई इलाज नहीं बचेगा। ठीक है भाई, हाँ रवि सिंह चौहान, हेलो भाई। अगला सवाल देखिए आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब सोच के आराम से उत्तर दीजिए, बताइए कि इनमें से कौन जो है वो सही जवाब देना चाहिए। ठीक बात है, ओके। 7 क्वेश्चन मार्क 34, क्वेश्चन मार्क 61, 97 और 142, इनमें से कौन जो है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा हमें ये बताना है। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, जवाब किसी का नहीं आया अभी तक। देखो भाई 34, 61, 97, 142, आप मुझे बताइए 34, 61, भाई यहीं से हम करेंगे भाई। ठीक है, तू इसके दिल पे ध्यान दे रहा है क्या। 34, 61 देखेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि सर 16
और 16 और 11 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 27। कितना ऐड हुआ है, 27 ऐड हुआ है। इधर अगर मैं देखूंगा ना तो भाई ये बन जाएगा 36, और इधर से देखूंगा तो कितना बन जाएगा 45। तो 9 27, 9 36, 9 45, तो इसका मतलब यहाँ पक्का कितना ऐड हुआ होगा, 18, और यहाँ पक्का कितना ऐड हुआ होगा, 9। तो 7 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो 9 और 7 कितना बनेगा, 16। 16 और 18 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 34। तो उत्तर कितना आना चाहिए भाई, 16। 3 नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी नहीं होगा प्रदीप भाई, उत्तर जो होगा वो 16 होगा, क्लियर है। प्लस 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45 का यहाँ पैटर्न लग रहा है। अगला देखिए, ये भी एक अच्छा तरीका है सवालों का, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द के में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। जैसे चिमटा से पकड़ा जाता है, भाई चिमटा पकड़ने के काम आता है, तो जिस प्रकार चिमटा पकड़ने के काम आता है वैसे दूरबीन जो है, बाइनोक्यूलर बोलते हैं इससे, तो बाइनोक्यूलर या दूरबीन जो है वो किस काम में आएगी हमें बताना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, चिमटा जिस प्रकार से पकड़ने के काम आता है वैसे दूरबीन किस काम में आएगा। बबीता कह रही है सर वो हिंदी वाली बुक सबको बता देना, उसमें से सारे क्वेश्चन आए थे, एक भी बाहर से नहीं आया, शुक्रिया, ठीक है। बबीता कह रही है कि हिंदी की मैंने एक किताब सजेस्ट करी थी किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, और मैंने ये कहा था कि जो बच्चे जीडी की परीक्षा दे रहे हैं वो किरण पब्लिकेशन का जो हिंदी का बुक है 5400-5500 क्वेश्चन है वो पढ़ ले, ठीक है। और मैंने जो प्रैक्टिकल जो है ये बबीता को ही देकर की थी कि इसी को सजेस्ट किया था, और ये कह रही है कि सारे के सारे प्रश्न उसी में से आए हैं। तो भाई जिनका एसएससी जीडी का अभी 20 दिन बचे हैं, अगर किसी के एग्जाम के 20 दिन बाकी हैं तो मेरी राय यही है किरण पब्लिकेशन का हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा लगभग 5500 प्रश्नों का, उसको रीड कर दो हिंदी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। उत्तर चिमटा का जैसे पकड़ना होता है तो दूरबीन का काम होता है देखना, अरे दूरबीन से देखते ही तो हैं, तो उत्तर 1 नंबर होगा। पता नहीं तुम 4 नंबर क्या सोच के देख रहे हो, व्यू होगा भाई इसमें, ठीक है, देखना। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ए के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, सी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है और बी सी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, बी ए के ठीक बगल में नहीं है, एफ पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है, सी और ई के बीच केवल बी बैठा है, डी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है, निम्न में से कौन ए और एफ के बीच बैठा हुआ है। ये एक टाइम टेकिंग और परेशान करने वाला सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सवाल जीडी से लगभग बन रहे हैं, और उन 2 सवालों में क्या हो रहा है ना कि एक तो बन रहा है सर्किल वाला जो है वर्ताकार व्यवस्था वाला सवाल पूछा जा रहा है, और एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सीधी पंक्ति वाला, कई कई बार 2-2 पंक्तियों वाले सवाल भी बन रहे हैं कि 2 पंक्तियों में बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं सबके सब, तो आप सवाल बनाएं, तब तक जो है मैं बायां दायां तो बिठा देता हूं, बायां और दायां, ठीक है। ए के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ए के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति, आदमी पूरे कितने हैं 7, तो मैं ऐसे बना लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 2 4 2 6 और 1 7, ए के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठने का मतलब एक ऐसी जगह बैठा है जिसके दाई ओर 2 ही जने हैं, दाई ओर 2 ही जने हैं, तो मैं ए को यहां बिठाता हूं तभी ए के दाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। फिर कहता है सी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, अभी नहीं पता कि सी इधर बैठा है या सी इधर बैठा है, लेकिन पंक्ति के एक सिरे पर बैठेगा। एक बात और है, बी जो है वो सी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, जहां कहीं सी जो है पंक्ति के एक सिरे पे बैठा है और जहां कहीं सी बैठा है उसके ठीक पड़ोस में बी बैठा है, मतलब हो सकता है कि यहां सी बी ऐसे बैठे हों, या कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि सी बी जो है वो ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम आगे जानेंगे कि इनमें से जो है एक्चुअल में पॉसिबिलिटी कौन सी है। अब तक उत्तर आ जाना चाहिए था भाई, ओके जी 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 शाबाश। आगे देखो, बी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है, एफ एक पंक्ति के सिरे पे बैठा है, सी और ई के बीच केवल बी बैठा है, डी एफ के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो फिर तो सर आप लोगों को 2 कंडीशंस बनानी होंगी, क्योंकि एक चीज है कि सी पंक्ति के एक सिरे पे बैठा है और एफ पंक्ति के एक सिरे पे बैठा है, तो हो सकता है सी इधर बैठा हो और एफ इधर बैठा
हो सकता है कि देखना ऐसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है सर, 5-7 सेकंड का सिर्फ फर्क होता है, दो और दो चार, 5, 6 और 7। हो सकता है इधर एफ और इधर सी बैठा हो, कहता है बी सी के बगल में बैठा है, यहां बी है तो यहां भी क्या बनेगा बी। अच्छा ए तो फिक्स है, ए में कोई डाउट नहीं है, आगे चलो। बी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा है, अब देखो ये तो ए के बगल में बैठ गया, बी ए के बगल में नहीं बैठने, दो कंडीशन है, या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन। बी ए के बगल में नहीं बैठना चाहिए, यहां तो बी ए के बगल में बैठ गया, इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत है, यही सही है। सी और ई के बीच केवल बी बैठा है, सी और ई के बीच केवल कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। और डी एफ के बगल में नहीं बैठा है, डी एफ के बगल में नहीं बैठा है तो यहां डी बैठेगा, एक जना बचा ए बी सी डी ई एफ जी, यहां जी बैठेगा। ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो आप बोलेंगे जी बैठा है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ये पता चल गया है कि किस प्रकार से बना है। एक चीज ध्यान रखें, कई बार हमें दो चीजों की जरूरत पड़ जाती है या दो लाइन बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो दो लाइन बनाने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाता है, आप चाहो तो उसे आराम से बना सकते हो, कोई धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक बात है। आगे चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, हम अगला सवाल देखने से पहले इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं देखता हूँ क्लास वाला सही चल रही है क्या। ओके सर, हमारे एप्लीकेशन पे दो कोर्स अपडेट कर दिए हैं और दोनों की क्लासें जो है मैथ्स की आज शुरू कर लेंगे अपन, ठीक है। और बाकी एक एक क्लासें उनके डेमो जो हैं वो सुबह एक एक करके मास्टर जो आएंगे और वो अपने अपने डेमो जो हैं वो उस पर लाइव कर देंगे। ये पहला बैच RRB ALP और टेक्नीशियन 2023 का CBT 1 का है, ध्यान रखें CBT 1 असिस्टेंट लोको पायलट का है, और बैच है टॉपर्स बैच, सच में टॉपर्स ही होंगे जितने भी होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों बैच हैं। अलग क्या कर रहा हूं इन बैचों में, जैसे एक अभी विक्की ने कहा था कि सर फीस बहुत ज्यादा है, मैं अलग क्या कर रहा हूं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हर कोई देता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास नोट्स जो हैं वो सब लोग डालते नहीं हैं, कहते हैं हम जो भी क्लास नोट्स जो हैं उनको डालेंगे। एक मैं एक्स्ट्रा इसमें ये लेके आ रहा हूँ, 10 मॉक टेस्ट सीरीज वाला, ये फ्री दिया जा रहा है, फुल, जैसे होता है ना अलग से टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ती है कि भाई 10 टेस्ट सीरीज 300 रुपये में मिल रही है, 200 रुपये में मिल रही है, तो वो अलग से खरीदनी पड़ती है, 200-300 रुपये लगभग, एक टेस्ट के 20 रुपये लगभग मानते हैं, तो 200 रुपये जो हैं वो टेस्ट सीरीज के अलग से देने पड़ते हैं। मैं एक तो सबसे अच्छा काम इसमें ये कर रहा हूँ कि 10 मॉक टेस्ट जो हैं वो फ्री दे रहा हूँ, चाहे वो किसी भी बैच में एनरोल क्यों ना हो। वीकली मॉक टेस्ट जो है वो कहने को कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ऑफलाइन में वीकली मॉक टेस्ट होता है, उसको हम ऑनलाइन भी ऑर्गेनाइज करवाएंगे और उसका सॉल्यूशन जो है वो हम YouTube पे करवाएंगे। एक डाउट जो अलग से ग्रुप होगा जिसमें डाउट सॉल्यूशंस होंगे बच्चों के जो भी डाउट्स हैं, और करने को मैं ये भी कर रहा हूँ कि बच्चों से एक सप्ताह में वीडियो कॉलिंग के जरिए जिनको अगर कोई दिक्कत है उसके बारे में अभी प्लान चल रहा है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों से हम फेस टू फेस बात कर पाए। एक NCERT एक्सपर्ट हमारे टीचर्स हैं सारे के सारे, ठीक है, सबको इस चीज़ का आदेश है कि वो जो कुछ करेंगे वो बेस्ट ऑन NCERT करेंगे, बेस्ट ऑन NCERT करेंगे, ठीक है। तो ये एक हमारा एप्लीकेशन है TCS एग्जाम जोन के नाम से, तो आप यहाँ से इसको एनरोल कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन में CBT 1 की जो फीस है वो 10,000 रुपये फीस है, ठीक है, और 2,000 रुपये यहाँ फीस है, मतलब सिर्फ 20% चार्ज लिया जा रहा है, और ऑफलाइन वालों के लगभग बराबर, लगभग बराबर का मतलब ये होता है कि उसी को जो चीज मैटर देंगे वो आपको देंगे, बस ऑफलाइन का फर्क ये हो जाता है कि जो बच्चे ऑनलाइन ना पढ़ पाते हैं और ऑफलाइन जिनको क्यों पढ़ना कई लोगों को जरूरी हो जाता है कि उनका सिटिंग नहीं होता है, वो खुद को डिसिप्लिन में नहीं रख पाते हैं, खुद को बांधे नहीं रख पाते हैं, भाई ऐसा होता है पढ़ लेंगे तो उनके लिए होता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं तो आप यहाँ से पढ़िए, आप लोगों के लिए बहुत कुछ जो है अलग होगा। एक ये दिल्ली पुलिस का है फौजी बैच, ठीक है, बैच का नाम ही फौजी है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, और ये बैच भी आप लोगों का सेम है, प्रोसेस सेम है, सारा का सारा सब कुछ मैंने जितने भी बैच प्लान किए हैं, जितने बैच में ला रहा हूँ, सबकी प्रोसेस जो है वो सेम होने वाली है। वैसे आपको जानकर मैं एक हैरानी होगी, आप लोगों को इन बैच में मैथ्स आप लोगों को कंप्लीट मिलेगा, रीजनिंग पूरा, साइंस पूरा, GK पूरा, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मेरी ऑफलाइन अगर किसी को मैथ्स पढ़नी होती और कंप्लीट मैथ्स अगर किसी को पढ़ना होता है तो शायद आप लोगों को जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हो, मेरी ऑफलाइन की फीस होती है वो 7,500 रुपये होती है, केवल और केवल मैथ्स की, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ दोनों मैथ्स का 7,500 रुपये फी होता है, केवल और केवल मैथ्स का,
सोच के देखिए, लोगों को ये बहुत भारी फील लगता है, लेकिन एक चीज की जिम्मेदारी देता हूं मैं उस बेच में, जो मेरे से ऑफलाइन में पूरा पर्सनल मैथ बेच पढ़ के चला जाता है, उसको कभी कोचिंग नहीं करनी पड़ती है, और वो इस देश में जो भी एग्जाम देता है उसको हमेशा हमेशा ये लगता है कि ये तो भाई ने पढ़ा दिया था हमें पहले ही। उसको कभी ये नहीं सोचना पड़ता है कि यार पता नहीं कहाँ से सवाल आ गया, उसको स्पीड जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, कंसेप्ट समझने जैसे समस्याएं खत्म हो जाती हैं, मतलब जितनी बीमारियां होती हैं मैथ्स को लेकर वो खत्म हो जाती है। उसके एवज में तो कुछ भी फीस नहीं है, बहुत छोटा सा चार्ज है भाई, ठीक है। ओके, दिल्ली पुलिस की बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है भाई, क्योंकि अभी SSC से टेंडर हटा लिया है, तो दिल्ली पुलिस को अपनी भर्ती जो है वो करवानी पड़ेगी अलग से। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, चयन करना है। एक आसान सा है, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लिखा है और हमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो इसको पूरा करेगा। अगर आप देख पाए तो एक बाज की नजर से इस सवाल को 5 सेकंड में आप बनाइए, आप देखिए कि ये सर्किल पूरा होना तय है, नो डाउट। जितने भी ट्राइंगल्स हैं इनका जो शीर्ष है वो इसकी तरफ है, बस ऐसा देख लीजिए, याद रखें शीर्ष इसकी तरफ होना बहुत जरूरी है। 4 नंबर मुझे दिख रहा है इसमें, शीर्ष वाला जो है ना, ऐसे देखो, ये वाला शीर्ष जो है, ये वाला शीर्ष इसकी तरफ होना जरूरी है। इसमें इसके ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, इसमें यहां आ रहा है, ये शीर्ष इसमें यहां इसी में आ रहा है, इसलिए उत्तर जो होगा वो आप लोगों का 4 नंबर होगा। नीचे 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, सभी आम मिष्ठान है, कुछ आम पनीर मिष्ठान पनीर है और कुछ, अब इसके आधार पर 2 निष्कर्ष जो है वो निकाले गए हैं, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, इसके आधार पर 2 निष्कर्ष आप लोगों के बनाए गए हैं। आराम से देखिए, इससे सभी आम मिष्ठान है, कुछ आम कुछ मिष्ठान पनीर है, तो क्या होना चाहिए चेक कीजिए इसको, सभी आम मिष्ठान है, इसका मतलब जितने भी आम हैं वो सारे के सारे आम जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, आप बोलेंगे मिष्ठान के अंतर्गत, सभी आम मिष्ठान के अंतर्गत होंगे। कुछ मिष्ठान पनीर है, कुछ मिष्ठान पनीर होंगे, तो यहां से कुछ मिष्ठान पनीर होंगे, ठीक है। सभी आम मिष्ठान है, सभी आम मिष्ठान है, और कुछ मिष्ठान पनीर है, कुछ मिष्ठान पनीर है, कुछ पनीर मिष्ठान, अब इस वक्त आरेख बन गया, देखो देखिए कुछ पनीर मिष्ठान है क्या, तो हाँ कुछ पनीर मिष्ठान कन्फर्म होंगे, कुछ पनीर मिष्ठान कन्फर्म होंगे, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। सभी आम पनीर है क्या, नहीं भाई, सभी आम पनीर देखो यहां तो एक भी नहीं है, तो केवल और केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट इज राइट आंसर। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सब स्टूडेंट्स का यही आंसर बना होगा, इसका सीधा सीधा सा एक आरेख बनाना होता है और आप आंसर दे पाते हैं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ होती है, कई बार होता है ना कि सवाल का लेवल ऐसा उठा के ले लेता है अगला कि खुद समझ से बाहर हो जाता है कि इसका करना क्या है। अगला देखिए, उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षर समूह में इस व्यक्त संबंध के समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, हमें यह बताना है सबसे अच्छा निरूपण करता है। लव का लिखा है NNXD, तो इधर देख लेना है कि कौन इसके अनुरूप बन रहा है, बता देना है। देखो एक पानी का घूंट ले लेता हूं, ठीक है, नींद का तो पूछिए मत, हाल बेहाल है, आज सुबह 3 बजे उठे थे और 3 बजे से अभी तक रेगुलर वर्क कर रहे हैं, मतलब कितना बज रहा होगा अभी, 6 बज रहा है, 3 बजे से, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक, शाम को 3 बजे तक 12 घंटे हो गए, तीन अभी 15वां घंटा चल रहा है, 15 घंटे पूरे हो चुके हैं, 16वां घंटे में एंट्री कर चुके हैं, नॉन स्टॉप वर्क, 1 मिनट का ब्रेक नहीं। थोड़ा थोड़ा मेरे से ही मोटिवेट हो लिया करो, बाहर कहीं मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे देख के मोटिवेट हो लिया करो कि जब सामने एक सिंगल हार्ड मास वाला जो इंसान है वो ही नहीं थकता है तो हम पढ़ते पढ़ते कैसे थक जाएंगे। जब तक नौकरी नहीं मिल जाए आपको भी नहीं थकना है। बोलो इधर देख लो, देखे ये यहाँ 2 जुड़ा है, 12 और 2 14, और यहाँ 1 गठा है, यहाँ 2 जुड़ा है और यहाँ 1 गठा है, बस इतना सिंपल सा सवाल है। तो आप यहां से देखिए कि 2 जुड़ा है तो 2 जुड़ेगा, 1 गठा है आप कहेंगे 1 गठेगा, 2 जुड़ेगा 1 गठेगा, उत्तर 1 ही नंबर हो रहा है, भाग दो, सेम पैटर्न लगाना है, +2 -1 +2 +2 है +2 है +2 -1 +2 -1 से आप आराम से बना सकते हैं।
अभी जीडी के आधार पर इस पेपर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जैसे ही जीडी का पेपर खत्म कर देंगे, हमारे पेपर जो हैं वो रेलवे लोको पायलट के आधार पे होंगे और आपकी धजियां उड़ाने वाले पेपर होंगे वो सारे के सारे। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी कतार में बैठे। ए डी के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, सी ए और एफ के बगल में बैठता है, बी के केवल दाई ओर व्यक्ति बैठते हैं, केवल 3 व्यक्ति जी और ई के बीच, सी के बीच में बैठते हैं, ए के दाई ओर बगल में कौन बैठता है। इस सवाल को मैंने क्यों लिया दोबारा से, इस टाइप का एक सवाल मैंने और इसलिए चुनना सही समझा कि इन दिनों में दिक्कत इसी में आ रही है, सिटिंग अरेंजमेंट में ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। सर ऑल सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते हो क्या? नहीं भाई, मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, मुझे जीके और साइंस नहीं पढ़ाना आता है, ठीक है, अंग्रेजी हम नहीं पढ़ा पाते हैं, मतलब बहुत कुछ सब्जेक्ट, कंप्यूटर हम नहीं पढ़ा पाते हैं। ऐसे सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? और एक आदमी इतना भी तेज नहीं हो सकता कि सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाए। मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, सिर्फ मैथ रीजनिंग। ठीक है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी, उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे, ए डी के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। ए उत्तर दे दिया, शाबाश। इसको हम बोलेंगे भाई बायां। इसको हम बोलेंगे बायां और इसको बोलेंगे दायां। ए डी के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, सी ए और एफ के बगल में बैठता है। देखो, बी के केवल दाई ओर व्यक्ति बैठते हैं, कितने व्यक्ति हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब पता है, बी के केवल दाई ओर व्यक्ति बैठते हैं, मतलब बी के बाई ओर कोई बैठता ही नहीं है। इस लाइन का सेंस यही है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बी के केवल दाई ओर व्यक्ति बैठते हैं। बी के केवल दाई ओर बैठने का मतलब है कि बी के बाई ओर कोई बैठता ही नहीं है, सब दाई ओर ही बैठते हैं, तो बी फिर इसी कोने पे है। आप कहेंगे हाँ सर, इसी कोने पे है। ठीक है, आगे देखिए, केवल 3 व्यक्ति सी और जी के बीच में बैठते हैं, और फिर कहता है सी और एफ, ए और एफ के बगल में है, ए के दाई ओर बगल में कौन बैठता है? केवल 3 व्यक्ति सी और जी के बीच में बैठते हैं। सी और जी को कहाँ बिठाऊं कि 3 व्यक्ति बीच में बैठते हों? तो सर हो सकता है कि यहां सी बैठा हो और 3 छोड़कर यहां जी बैठे, हो सकता है यहां जी बैठता हो और यहां सी बैठ जाए, लेकिन इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे। चलो अच्छी बात है। अब एक चीज और बोला कि सी ए और एफ के बगल में बैठता है, ये बोल रहा है, और ए जो है वो डी के बाई ओर तीसरे बगल पे बैठता है। अब इसको मैं अलग से बनाऊं, ये मैंने आरेख बना दिया, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। सर ये कहता है ना कि ए और सी, माफ कीजिए, ए और एफ के बगल में सी बैठ रहा है, मतलब हो सकता है ए सी और एफ बैठे। इस लाइन का मतलब है, हो सकता है यहां एफ बैठे, यहां सी और यहां ए बैठे, ऐसी 2 कंडीशंस पॉसिबल हैं। बढ़िया बात है, मैं काम करता हूं, इसको मान लेता हूं। फिर कहता है कि ए डी के बाई ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, ये ए जो है ना डी के बाई ओर, डी को ऐसी, ये तीनों, इसमें कोई शक नहीं है, ये तीनों रेगुलर बैठेंगे या फिर ये तीनों रेगुलर बैठेंगे। एक बात बोली कि ए डी के बाई ओर, डी को ऐसी जगह बिठाओ कि उसके बाई ओर तीसरे स्थान पर ए मिले, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि डी को तुम यहां बिठा दो, 1 मिनट, ये 1 2, यहां डी को बिठा दो, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि ये ए है, तो 1 2 और 3 यहां डी को बिठा दो, तो डी के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठ रहा है, पहला दूसरा और तीसरा। अब देखेंगे 3 यहां है, 3 यहां है, 7 बैठ गए, और हो सकता है कि बी जो है वो ऐसे, ये सारे के सारे रेगुलर बैठ गए, तो हो सकता है बी फिर यहां बैठा हो, एक पॉसिबिलिटी है। कहता है यहां हो गया सारा, केवल 3 व्यक्ति सी और जी के बीच में बैठते हैं, तो ये तो सी रहा, जी को कहां बिठाऊं? तो मैं कहूंगा 2 2 4 2 6 1 7, यहां जी को बिठाऊंगा ना मैं, तो 3 व्यक्ति नहीं बैठेंगे, मतलब ये गलत है, ये वाला गलत है। सर एक चीज हम और देखते हैं, हो सकता है ऐसे बैठा हो, मतलब ये थोड़ा सा एक हार्ड लेवल से सवाल बन रहा है, ए सी एफ डी, और कहता है कि ए डी के बाई ओर तीसरे स्थान पर है, तो डी के बाई ओर पहला दूसरा तीसरा, जी और सी के बीच 3 लोग हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3
और यहाँ बैठेगा जी। देखो दो दो चार दो छः और यहाँ बी बैठ सकता है। अब देखो देखे ए के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, ए के दाईं ओर बगल में सी बैठा है। आप कह सकते हैं उत्तर कौन होगा, सी होगा। ये एक ऐसा सवाल था जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग सवाल था, बनता नहीं है सर। एएलपी की क्लास में ऑल सब्जेक्ट लाइव होंगे क्या ऐप पर? जी सारे ऐप पर लाइव होंगे कंप्लीटली, ठीक है। ओके क्या कहते हैं, ए के दाईं ओर कौन बैठा है? बन तो रहा है आराम से, देखो इसको बनाता हूं मैं। ए बना है, सी बना है, एफ बना है, डी बना है और यहाँ जी बना है। देखो देखे वेरीफाई करके देखो, बी के केवल दाईं ओर व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। फिर कहता है ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो डी के बाईं ओर पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर ए है। सी और सी ए और एफ के बगल में है, तो ए और एफ के बगल में सी बैठा है। फिर कहता है कि केवल तीन व्यक्ति सी और जी के बीच में बैठे हैं, तो सी और जी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, एक आदमी बचा हुआ है, कौन सा रह गया वो देख लो, ई बचा है, ठीक है। हमें कहता है कि ए के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, तो अकॉर्डिंग टू मी इज सी राइट आंसर बनता है, ठीक है। सर डीपी बायोलॉजी स्टार्ट होगी क्या क्लास? हाँ दिल्ली पुलिस में बायोलॉजी करेंगे, ठीक है। तीन कथन दिए गए हैं जिसके बाद तीन निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निश्चित करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। तीन निष्कर्ष वाले सवाल हैं, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूं, प्लीज आप देखें समझें सवाल को और फिर बनाएं, जल्दबाजी आप लोगों को करनी नहीं है, ठीक है। सभी चूहे बिल्ली हैं, जितने भी चूहे हैं सारे के सारे चूहे बिल्ली हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ये सारे के सारे चूहे सभी चूहे, तो आप कहेंगे सर सभी चूहे बिल्ली हैं, सारे के सारे चूहे बिल्ली होंगे, ठीक है, गुड। फिर कहता है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्ली जो हैं वो कुत्ते होंगे, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। कोई भी कुत्ता पेड़ नहीं है, मैं एक बार ये मान लेता हूं कि कोई भी कुत्ता पेड़ नहीं है, तो कोई भी कुत्ता पेड़ नहीं है, क्योंकि कुत्ता और पेड़ एक दूसरे का हिस्सा नहीं हो सकते। लेकिन दोस्त एक बात सोचिए आप, क्या पेड़ बिल्ली का हिस्सा नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या पेड़ चूहे का हिस्सा नहीं हो सकता? हो सकता है। कहता है सभी बिल्लियां चूहे हैं क्या? अरे नहीं भाई, सारी बिल्ली चूहे नहीं हो सकती है। देखो सभी चूहे बिल्ली हैं, सारी बिल्ली चूहे नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये बिल्लियां हैं और इन बिल्लियों में से कुछ हिस्सा ही चूहों का है, तो फर्स्ट इज ए रॉन्ग आंसर। फर्स्ट जिसमें है वो गलत है, मतलब ये नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि सारे अनुसरण नहीं करेंगे, ये भी आपका कभी भी नहीं हो सकता, फर्स्ट कभी अनुसरण नहीं कर सकता, उत्तर जो है वो डी बन जाएगा। पूरा चेक करके टाइम खराब मत कीजिए, पूरा चेक करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट गलत निकल गया तो जिस जिसमें फर्स्ट आ रहा है उसको सबको हटा दो, जिस जिस में फर्स्ट आ रहा है सबको हटा दीजिए, बाकी को आप चेक कर सकते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो हाँ देखो कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे, कुछ पेड़ कुत्ते नहीं है, तो सर यहां ध्यान रखना कोई कुत्ता पेड़ नहीं है। मैं पीछे की क्लास में भी बता चुका हूं, कोई नहीं है तो कुछ नहीं है जरूर होता है, कई के लोग इसको भी गलत कर देते हैं, याद रखना कोई नहीं है तो कुछ नहीं है जरूर होता है, इसलिए ध्यान रखना अगर कोई कुत्ता पेड़ नहीं है तो फिर कुछ पेड़ कुत्ते नहीं है, ये सही कहलाएगा। अगला सवाल देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, अच्छे तरीके से अच्छे लेवल से सवाल बन रहा है, आप आराम से इससे बना सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पानी के फिर पी लेते हैं। विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है, हमें बताना है। 7 का 24 है, क्वेश्चन मार्क 267 है, 37 1344 है। ये एक बहुत शानदार सा सवाल है, शानदार जानदार सा सवाल है, और इस तरह के सवाल जो है एक जीडी में मानो तुम आगे वाले टीसीएस से संबंधित आगे की कोई भी भर्ती होगी, मैं गारंटी से कहता हूं एक सवाल 100% आएगा, गारंटी से कह रहा हूं एक सवाल जो है वो 100% आने वाला है, चाहे आप कोई भी टीसीएस पैटर्न का देख लेना, और वो नया पैटर्न बन चुका है, दो नहीं तीन आधार वाले सवाल आ रहे हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी परीक्षाओं में। 7 24 क्वेश्चन मार्क 264 37 और 1344, उत्तर किसी का अब तक आया नहीं है,
मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा सर। मेरा दिमाग पता है कहाँ से गया, मेरा दिमाग ये देखा कि यार 37 का स्क्वायर होता है ना, देखो जितने अच्छे स्क्वायर आपको याद होंगे ना ये चीजें उतनी अच्छी साबित होंगी आप लोगों के लिए। 37 का स्क्वायर होता है ना भाई, वो होता है 1369। कितना होता है? दो नंबर उत्तर दे दिए, ठीक है 1369 होता है। अब ये तो 1369 है और ये जो है वो आप लोगों का 1344 है, इसका मतलब दोनों में जो गैप है वो 25 का है, मतलब इसकी तुलना में ये वाला नंबर जो है वो 25 ज्यादा है, ये कह दो। ठीक है, यहां देखो 7 का स्क्वायर, मैं कहूंगा 7 का स्क्वायर होता है 49 49, लेकिन यहां तो 24 है। आप बोलेंगे हाँ सर यहां तो 24 है, अगर 24 की जगह ये 7 का स्क्वायर 49 है, अगर मैं कहूं कि ये कितना ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर ये 25 ज्यादा है इससे। इसका मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर अगर मैं करूं तो उसका स्क्वायर इससे 25 ज्यादा होना चाहिए, और इससे 25 ज्यादा होने का मतलब है 289 होना चाहिए, और 289 किसका स्क्वायर होता है तो आप बोलेंगे 17 का, और भाई अगर 17 का स्क्वायर होता है तो उत्तर नंबर 2 बनेगा आपका। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बात आप मेरी समझ गए होंगे, नो डाउट किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है, ये एक अच्छे लेवल से सवाल आ रहा है इन दिनों में, थोड़ा टारगेट सवाल मान के इसको प्लीज हल करेंगे आप। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प चित्र का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रस्तुत चित्र में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है, कि कौन ऐसा पैटर्न है जो अगर आप इसमें सेट कर देते हैं उससे तो उसको पूरा पूरा सेट कर जाएगा। हाँ 17 आएगा, 17 ही लिखा है गुरुजी के बाबू। ओके आप लेट पढ़ा रहे हैं, देखो देखे अगर आप सोचेंगे तो सवाल आप आराम से बना पाओगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सर मेरा दिमाग पता है कहाँ जा रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि यार ये पक्का जो है ना ऐसे तो बनेगा ही बनेगा, मतलब यहां ना इस टाइप से टी बनना चाहिए तभी तो ये सेट होगा पूरा, और इस टाइप से टी बनना चाहिए और दोनों कोने मिले होने चाहिए, ध्यान रखना दोनों कोने मिले होने चाहिए, और फिर दो लाइनें निकलनी चाहिए ऐसे, ऐसे दो लाइनें निकलनी चाहिए। तो आप कहेंगे 4 नंबर नहीं होगा, कभी नहीं होगा 4 नंबर। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो ये 3 बचे हैं। अब एक चीज और देखो, इसमें जब इस कोने को देखेंगे तो ऐसा वाला जो है ना ये वाला कोना बनना चाहिए, इसका एक प्रतिबिंब बना लो, ऐसे कर लो इसका ठीक प्रतिबिंब बना लो तुम इस वाले हिस्से का, ये इतना था जो है इसका प्रतिबिंब देख लो, बस यही उल्टा हो जाएगा। अगर भाई यही उल्टा हो जाएगा तो मुझे एक बात बताएंगे आप कि ऐसे एक सर्किल कट के हाफ, ऐसे थोड़ा सा हिस्सा कट के एक लाइन और कटनी चाहिए, यहां तो केवल सीधा सीधा कट रहा है, ये भी कट गया। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, अगर 2 ऑप्शन बचे हैं तो अंतिम कोना जो है वो ट्राइंगल के तौर पर होना चाहिए, अंतिम कोना दोनों के बीच हो रहा है। लेकिन एक चीज देखना, ये जो एक नई सी लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन देखो, इसमें ये वाली लाइन नहीं है, नहीं है ये वाली लाइन, इसका मतलब उत्तर जो है वो 3 नंबर होगा, 2 नंबर भी नहीं होगा। ऐसे ऑप्शंस काट दो, ऑप्शन अगर देखो एक चीज और बताता हूं, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो इसको मैच करवाने में जुट जाता है तो फिर आप डबल टाइम करें, एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो ऑप्शन काटता है, वो ये देखता है कि ये तो नहीं हो सकता, तो ऐसे सवाल ऑप्शन काट के बनाया करो, ऐसे सवालों को वो तरीका मत लगाया करो जो तुम लगाते आए हो आज तक। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टेक को जी, ये तो आप आराम से बना लेंगे, मतलब मेरी जरूरत ही नहीं है शायद इस सवाल का उत्तर देने में, आप आराम से बना सकते हैं बिना किसी इश्यू के। एक निश्चित कूट भाषा में टेक लिखा है, मेरी जरूरत नहीं होगी शायद, थोड़ा सा फास्ट हमें करना चाहिए, टाइम कम है। अपोजिट है, टी का उल्टा जी है, ए का जेड है, के का पी है, ई का वी है, अपोजिट है तो एफ का यू होगा और ओ का एल होगा, यू का एफ होगा और एन का एम होगा, उत्तर नंबर 4। बस सिर्फ अपोजिट लेटर्स लिखे गए और कुछ भी नहीं है। अगला देखो, चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए, बताइए कि सही संयोजन का चयन क्या होगा। इसमें से आपको देखना है कि कौन जो है ऐसा है जो इन अगर चिन्हों में हम रखें तो रखने पर उसको वो सही सही तरीके से संतुलित कर देना चाहिए, हमें ये कहता है चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए। अब इसमें देखो एक चीज, 141 है, 141 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 183 भाग मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ भाग देंगे तो फिर थोड़ा सा मामला मेरे अकॉर्डिंग गड़बड़ होगा, तो यहाँ भाग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ भाग नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि इससे मैं एक बार काट देना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ आपको सर, ध्यान दें प्लीज, अगर आप पहला चिन्ह रखते हैं भाई, ऐसा रखते हैं कि माइनस अगर आप यहाँ करते हैं,
ठीक है, तो ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या हो रही है। अगला जो है यहाँ प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ जो है आप लोगों को भाग करना पड़ेगा, यहाँ बराबर करना पड़ेगा, यहाँ माइनस और यहाँ गुणा करना पड़ेगा। आप ये कहेंगे सर कि एक चीज ध्यान से देखना, ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, इस वाले नंबर में से ये वाला सारा नंबर जो है ना आपको माइनस करना पड़ेगा। अब उत्तर माइनस में आएगा, इधर 7 21, 21 बोले तो उत्तर प्लस में आ रहा है, तो इधर उत्तर प्लस में आ रहा है, जबकि इसको आप अगर माइनस करना चाहोगे ना भाई, माइनस क्या करना चाहोगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये प्लस का रह जाएगा सॉरी। तो आप यही कहेंगे कि 104 का अगर मैं भाग दूंगा तो 4 चौका 16 और 7 चौका 28, ये कहेंगे 41 और 47 जोड़ेंगे, और 41 और 47 जोड़ के 183 हम कम कर देंगे, पता है क्या बन रहा है, 141 माइनस 183 प्लस, प्लस ही था ना अगला। हाँ आप कहेंगे गुरु जी इसकी जगह 47 बराबर, आप कहेंगे 26 माइनस 7 21। अगर मैं प्लस प्लस की संख्या वो एक साथ जोड़ता हूँ तो 140 और 40, 180, 180 सात 187 और 188, 188 माइनस 183, याद रखना पॉजिटिव प्लस प्लस की संख्याओं को एक साथ, इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को एक साथ जोड़कर उसमें से माइनस करेंगे, इधर बनता है 5। भाई इधर 5 बराबर क्या बन जाएगा, 5 राइट आंसर है एक नंबर। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए, ये पता चल गया है कि कैसे ये एडजस्टमेंट होगा, आराम से आप इस बात को बना सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा भाई, ठीक बात है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यह भी एक सवाल आप लोगों के यहां बन रहा है, अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला, तो मैं यही देखूंगा, ए तो सब में आ रहा है, अगला अक्स आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है, बी आ रहा है, सबसे पहले तो बी आता है भाई, और सबसे पहले बी आने का मतलब 4 नंबर आना चाहिए, 4 नंबर सॉरी 5 नंबर आना चाहिए, 5 नंबर आने का मतलब ये 2 ऑप्शन कट चुके हैं। बी के बाद में अगर मैं देखूंगा अक्स डब्ल्यू वी यू, तो आपको भी पता है यू आता है, यू के बाद वी डब्ल्यू अक्स, तो आप कहेंगे 4 नंबर आना चाहिए, और 4 नंबर आने का मतलब उत्तर नंबर 5 होगा, ये भी गलत होगा। ध्यान रखें ऑप्शंस काटने पूरा नहीं बनाना है, तुम्हारी गलती ये होती है कि तुम इस पूरे सवाल को बनाने में जुड़ जाते हो, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसे सवाल कभी भी पूरे नहीं बनाने होते हैं, ऐसे टुकड़ों में सवाल बना देने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, देखिए एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, 1 से 6 तक 6 फलक दिए गए हैं, का चयन कीजिए जो एक फलक के विपरीत फलक पर होगी, जो एक फलक के विपरीत फलक पर आएगी उसका चयन करना है, कौन इनमें से एक फलक के विपरीत फलक होगी, हमें सिर्फ इतना सा बताना है। देखिए देखिए ठीक है, हो गए ठीक है भाई, 20वां प्रश्न है आज की क्लास का, वैसे प्रश्न तो इसमें तो बहुत पड़े हैं, लेकिन 20वां प्रश्न आज की क्लास का है, 20 प्रश्न हमें हल करने थे, 1 5 4 6 3 5, सर हमें एक के विपरीत पूछा है, पता है पासा का नियम क्या कहता है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते हैं, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते हैं, एक के पड़ोसी 5 और 4 हैं, तो ये 5 और 4 कभी विपरीत नहीं होंगे, एक का विपरीत ध्यान रखना ना तो 5 होगा और ना ही एक का विपरीत कभी 4 होगा, ध्यान रखना एक जिसमें एक है, एक के पड़ोसी वाले कभी विपरीत, पासे में एक नियम ध्यान रखो, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है, मतलब इसका विपरीत जो है वो 4 और 2 2 भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो विपरीत हो नहीं सकते, मतलब उत्तर ना तो इसमें से आएगा ना इसमें से आएगा, इन दोनों में से उत्तर हो ही नहीं सकता, पासा की बात है, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं, दोनों कट गए। अब अगर मेरा उत्तर है तो इन दोनों में से, जो इतना सा समझो कि जिसमें जिसके बारे में पूछा है, जैसे एक के विपरीत पूछा है, तो जिन जिन पासों में एक है उसको तो आप हटा दो, इनमें एक शामिल है तो इनमें से तो उत्तर होगा ही नहीं, उत्तर मेरा इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है ना भाई, वो कॉमन आपका आंसर होगा, बताओ दोनों में कॉमन कौन है, आप कहेंगे 3, तो उत्तर क्या बन जाएगा, 3 नंबर। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है सबका, आप कहेंगे यस सर। तो सर ये हमारा एक 20 नंबर प्रश्न का सेट था, ध्यान रखें ऐसे स्टूडेंट जो आज पहली बार जुड़े हैं, जिनको टेलीग्राम चैनल का पता नहीं है, आप TCS एग्जाम जोन के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सारी भर्ती परीक्षाओं का अपडेट है, प्रीवियस एग्जाम पेपर्स हम डालेंगे, क्विज जो है, नोट्स हैं, ये सब प्राप्त करने के लिए आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक बहुत व्यस्ततम लाइफ के बीच मैं आप लोगों के सामने हाजिर रहूंगा रोज, अब 5:30 का मैंने टाइम कर दिया है, हम 1 घंटा, माफी चाहूंगा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम GD की परीक्षा तक 1 दिन रीजनिंग 1 दिन मैथ 1 दिन रीजनिंग 1 दिन मैथ का मॉक टेस्ट हल करवाऊं, एक साथ मैथ और रीजनिंग दोनों का मॉक टेस्ट हल करवा पाना मेरे लिए अब संभव नहीं है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, या फिर टाइम चेंज करना पड़ेगा, कोई दूसरा टाइम हमें देखना पड़ेगा। तो मैं एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग जो है वो पेपर में हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो या तो आज रीजनिंग हो गया, कल हम मैथ कर लेंगे, फिर परसों रीजनिंग कर लेंगे, फिर मैथ कर लेंगे, तो आपका तो सहयोग मिलता रहेगा। जैसे ही GD की खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस 1 घंटे को मैंने जो खुद से बात करी है, वो खुद से ही वो 1 घंटा मैंने इस चीज का दिया है कि इसको मैं रीजनिंग का दूंगा। मैंने रीजनिंग का ही मानकर इस 1 घंटे को तय किया हुआ है कि 1 घंटा रीजनिंग का मॉक टेस्ट में हमेशा हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग हल करवाते रहूंगा। लगभग सप्ताह में 4-5 मॉक टेस्ट जरूर हल करवाऊंगा, रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट। तो अब जरूरत अगर गणित की पड़ गई तो फिर जो है वो मैं गणित का जो है वो करवा दूंगा, ठीक है। बाकी एक दिन छोड़कर एक दिन, बाकी रीजनिंग का हमेशा चलता रहेगा। जैसे GD खत्म हो गई तो लोको पायलट के लिए शुरू हो जाएंगे, रीजनिंग का कभी नहीं रोकेंगे। रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट हम हमेशा ही चालू रखेंगे, इसको नहीं रुकने देंगे कभी भी। तो थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो सब लोग, ठीक है। रात को 9 बजे हम अनुपात समानुपात लेके आ रहा हूँ आज की क्लास में। रात को 9 बजे प्लीज जुड़ना मत भूलना सबके सब लोग, ठीक है। मिलेंगे रात को 9 बजे। धन्यवाद।